Welcome in Learning Maths in Easy Way. I am going to start chapter number 6 in Teachers of Class 6. I am starting this chapter by integers. तो सबसे पहले definition क्या होती है integers की? All positive numbers and all negative numbers, including zero, are called integers. तो अब हम discuss करते हैं कि we know about the positive numbers. के positive numbers होते क्या हैं? जैसे if I write here 2, 300 और 900 और 925, these are positive numbers. क्योंकि इनके आगे कुछ भी sign नहीं लगा हुआ है, तो indirectly we have to understand that कि these are positive numbers. But if I put here minus, मैंने क्या किया है इन सब नंबर्स के आगे माइनस लगा दिया, तो अब ये नंबर क्या हो गए? दीज आर कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव नंबर्स. मीन्स जब नंबर्स में नेगेटिव साइन आगे लग जाता है तो जो हमारा नंबर होता है वो नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाता है. सो ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उतने ही नेगेटिव नंबर्स हैं. सो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, साथ में जीरो भी, दीज आर कॉल्ड द ऑल आर कॉल्ड द इंटीजर्स. कैसे होता है कि जैसे हम इसे एक नंबर लाइन पे शो करते हैं तो मिडिल में क्या आता है? जीरो. ओके, ऑन द राइट साइड ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर देयर, वी हैव टू शो लाइक दैट. और ये कहाँ तक जाता है? टू इनफाइनाइट. ऑन द लेफ्ट साइड दीज आर नेगेटिव नंबर्स, स्टार्टिंग विद -1, -2, -3, -4 अप टू -infinite. सो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उतने ही नेगेटिव नंबर्स भी हैं, और इंक्लूडिंग जीरो. सो दीज ऑल आर कॉल्ड द इंटीजर्स. नाउ दीज आर पॉजिटिव नंबर्स, ये सब हमारे क्या हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं. और दीज आर नेगेटिव नंबर्स. नाउ अब हम बात करते हैं अबाउट जीरो. के व्हाट इज जीरो? जीरो इज नीदर नेगेटिव नोर पॉजिटिव, नेदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव. मीन्स जो हमारी जीरो होती है कभी हम उसे जीरो भी नहीं लिखते इस तरह से कि प्लस जीरो या माइनस जीरो नहीं लिखते हैं. कैसे लिखा जाता है? सिर्फ जीरो. तो जीरो जो होता है कि इट इज नॉट काउंटेड इन द पॉजिटिव नंबर्स एंड नॉट काउंटेड इन द नेगेटिव नंबर्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, कि हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे किस तरह से शो करते हैं. ऑलरेडी आई डिस्कस्ड हियर, इट इज अ नंबर लाइन, इट इज अ जीरो, मिडिल में होता है. ऑन द राइट साइड ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर देयर अप टू इनफाइनाइट, एंड ऑन द लेफ्ट साइड वी प्रेजेंट्स ऑल नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -4, -5 अप टू -infinite. तो जब भी हम किसी इंटीजर्स को, लाइक मेरे पास एग्जांपल है कि इफ द क्वेश्चन इज शो +5 ऑन नंबर लाइन. ओके, सो वी हैव टू ड्रॉ, क्योंकि नंबर पॉजिटिव है, वी हैव टू स्टार्ट विद जीरो हियर, 1, 2, 3, 4, हैविंग इक्वल स्पेस बिटवीन दम. सबके बीच में इक्वल स्पेस होना चाहिए, और जो भी हमें नंबर रिप्रेजेंट करना होता है वी कैन हाईलाइट इट. जैसे मैंने यहाँ पर सर्कल लगा दिया, और वी कैन ड्रॉ अ लाइन लाइक दैट. इट अनदर एग्जाम्पल इज दैट कि वी हैव टू रिप्रेजेंट -7 ऑन द नंबर लाइन. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू ऑब्जर्व दैट कि इट इज अ पॉजिटिव नंबर और द नेगेटिव नंबर. जब पॉजिटिव था तो हमने इधर से शुरू किया राइट साइड. नाउ अब हमें क्या करना है? ये नेगेटिव है तो वी हैव टू स्टार्ट विद द लाइक दैट जीरो, इधर से शुरू करेंगे -1, -2, -3, हैविंग इक्वल स्पेस बिटवीन दैम -6, -7, -8. सो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? -7, तो वी हैव टू हाईलाइट दिस -7. तो बाय दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट एन इंटीजर ऑन द नंबर लाइन. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज टैग एन इंटीजर विद एप्रोप्रिएट साइन. हमें एक इंटीजर में एप्रोप्रिएट साइन लगाना है, किस तरह से लगाते हैं? कि द एग्जाम्पल इज प्रॉफिट ऑफ ₹50. तो हम अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश के प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट से हमें हमेशा गेन, मतलब प्रॉफिट गेन सब एक जैसे वर्ड्स हैं. तो उसमें जब भी प्रॉफिट होता है कि वी हैव टू राइट हियर +50,
we can write rupees 50. Okay, if the word is loss, loss of rupees 50, same as, तो loss में क्या होता है कि we have to show it by minus rupees 50. Here we have to write sign first. Okay, same as if the question is deposit. Deposit of rupees 10,000. Deposit means जमा करना. तो वो हमारी क्या हो रही है, money add हो रही है. So we have to write here plus rupees 10,000. The same word, opposite word of deposit is withdrawal. Withdrawal of rupees 10,000. We have to write minus sign rupees 10,000. Okay. If the word is above 5 meter from ground level. Ground level means जैसे ये एक level है इसके ऊपर 5 meter ऊपर. तो जब भी हमारा ये आएगा कि above ground तो it is plus 5 meter. और if the word is above के बाद यदि हमारा word आता है below 5 meter तो we will represent below as minus 5 meter. So these are some words जिसको हमें अपने chapter में appropriate sign के साथ लेना होता है कि हमसे पूछा जाता है कि इस statement को we have to convert in this. तो we have to write the number with sign. Now the next topic is comparison of integer. How we compare the integer कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. The first one example is if both integers are positive. ठीक है, हमारे पास क्या है, both positive integers. It is a very simple to compare like that कि if I number 216 or here the number 232. You can observe, you can compare by observing only कि कौन सा integer हमारा बड़ा है. कि 232 है तो we can write directly here कि ये number बड़ा है. If the number is like that 5, 4, 3, 7 and here the number is 4, 5, 3, 2, 1. Okay, so these are 5-digit number. ये कैसा number है? 5-digit number है तो हमें compare करना होता है. जैसे हम इसको read करना शुरू करते हैं, it will be 15,000 और ये है 45,000. तो we can directly write here कि 45,000 is greater. The number of the same digit and the starting with the same digit like that. This number is 8. तो हमें कैसे compare करना होता है? We have to compare by the left digit. ये दोनों number क्या हैं? दोनों equal हैं. सबसे पहले हम दोनों number के left में left digit को compare करते हैं. Again, second, ये भी दोनों equal हैं 0. Now it is 2 and जब हम इसको compare करते हैं, it is 1. तो ये number बड़ा है 2. तो this number will be greater. Okay. And the second example is that कि all positive numbers all positive numbers and 0 are greater than negative numbers. ठीक है, कैसे कि if I write here कि comparison minus 7 and 0. तो 0 जो होता है वो हमेशा negative numbers से बड़ा होता है. और we can imagine on the number line also. जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया कि 21 है माइनस 21 और इट इज 15. तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यू हैव टू चेक दैट इट इज अ नेगेटिव इट इज पॉजिटिव. तो पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होगा. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट कि इफ बोथ नंबर्स आर नेगेटिव लाइक दैट कि इफ द नंबर इज माइनस 7 एंड इट इज द माइनस 4. हाउ वी विल कंपेयर दैट कि कौन सा नंबर बड़ा है. सो इसके लिए वी हैव टू इमेजिन द नंबर लाइन इन आवर माइंड. 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4. हमें ये याद रखना है कि जो नंबर नंबर लाइन पर पहले आता है वही नंबर बड़ा होता है. मीन्स ये जो नंबर्स होते हैं दीज आर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, सो माइनस 4 पहले आता है नंबर 9 पे तो माइनस 4 इज ग्रेटर. क्योंकि लेफ्ट में हम जितना आ जाएंगे नंबर छोटे होते चले जाएंगे. जैसे माइनस 51 और माइनस 76.
अब नंबर लाइन पर वैन भी वी रेट के 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही नंबर 51 पहले आएगा 76 बाद में आएगा, तो 51 इज ग्रेटर देन माइनस 76। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट के 216 माइनस, और एक नंबर है 415 नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव इंटीजर्स, तो ऐसे ही हमें रीड करना है कि जो नंबर पहले नंबर लाइन पर आएगा इट विल बी ग्रेटर। सो हमें याद ये रखना होता है नंबर लाइन पे कि जो नंबर यहाँ पर माइनस वन है, माइनस टू है, माइनस थ्री है, कि इट इज़ अ डिक्रीजिंग ऑर्डर, माइनस वन इज़ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर, जो माइनस वन होता है वो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर होता है। सो बाय दिस वे यू कैन कंपेयर द इंटीजर्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्स्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, कि हम नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्स्ट्रैक्ट करते हैं। आई विल एक्सप्लेन इट थ्रू एन एग्जांपल। इफ आई राइट हियर द एग्जांपल 2 + 5, ओके दीज आर इंटीजर्स, ये हमारे इंटीजर है और हमें नंबर लाइन पे किस तरह से शो करना है। We have to draw the number line 0, 1, 2 because both are positive numbers. तो ये मैंने number line positive numbers के ही draw किए। Okay, so first number है हमारा 2. तो we have to jump on 2. 0 से हम सीधा कहाँ जाएंगे? 2 पे. And then we have to jump. कितना हमें jump लगाना है? Next वाला. जैसे यहाँ पर क्या है? 5 jumps. 1, 2, 3, 4, 5. So answer is 7. So by this way you can add the integer. And next example is if the number is like -5 + 9. अभी भी क्या हो रहा है? Addition हो रहा है and both are both नहीं है यहाँ पर, एक ये negative integer है और ये positive integer है। तो अब हमें number line दोनों तरफ वाली ही show करनी है, 0 -1, -2, -3, -4, -1 like that. ओके, अब ये है -1, तो 0 से हम कहाँ जाएंगे? सीधा -2। ओके, और प्लस के लिए हमेशा याद रखना है कि हमें राइट जंप्स लेना है। क्या लेना है? प्लस के लिए राइट जंप्स। ओके, कितने जंप्स ले रहे हैं? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. सो ये कहाँ पर आ गया? 4 पर। सो आंसर इज +4. ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ द फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव लाइक दैट 4, बीच में हमारा प्लस साइन लगा हुआ है और एक नंबर है -3. मीन्स अब हमारा पहला नंबर, जो पहला इंटीजर है वो पॉजिटिव है और सेकंड नेगेटिव। 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -1. ठीक है, ये 4 पे जाएंगे, एस सच 0 से हम कहाँ आ गए? 4 पे। अब ये एडिशन का साइन है लेकिन हमारे पास इंटीजर कैसे है? नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटीजर्स के लिए वी हैव टू जंप ऑन द लेफ्ट साइड, 1, 2, 3। ओके, सो आंसर इज 1 + 1. सो ये हो गया एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, इफ बोथ आर नेगेटिव इंटीजर्स लाइक -3 और बीच में है प्लस साइन और एक है -5। ओके, मीन्स बोथ आर नेगेटिव इंटीजर्स, सो वी हैव टू ड्रॉ नंबर लाइन, क्योंकि ये दोनों ही माइनस हैं, तो वी हैव टू ड्रॉ माइनस, हमें नेगेटिव नंबर वाली नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, नाउ ये फर्स्ट नंबर पे ही हमें जाना होता है, 0 से हम वी हैव टू जंप ऑन द -2। हम कहाँ पर आ गए? -3 पे। और नेगेटिव इंटीजर्स है तो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट कि वी हैव टू मूव ऑन द लेफ्ट साइड, 1, 2, 3, 4, 5। क्या आ गया हमारा आंसर? -8। सो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। एंड नाउ अगेन एन एग्जांपल, इफ द नंबर इज लाइक दैट, वन नंबर है हमारा -1, माइनस साइन बीच में लगा है एंड इट इज अ -4। सो हाउ वी विल सॉल्व? कि हमारा नेगेटिव ये हो गया हमारा सब्सट्रैक्शन, मीन्स इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है, -4, -1, -4। ओके, सो वी हैव टू ड्रॉ नंबर लाइन।
लाइक दैट. ओके नाउ हमें कहाँ जाना है, जीरो से माइनस वन पे. वी हैव टू जंप इट ऑन माइनस वन. अब क्योंकि यहाँ पर दोनों माइनस साइन है तो ये दोनों माइनस साइन जब होते हैं तो आपस में क्या हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है. मीन्स माइनस वन और प्लस फोर. ओके तो हमें अब फोर के प्लस फोर के लिए वी हैव टू जंप ऑन द राइट साइड फोर जंप्स. तो इट विल बी ऑन थ्री. सो आंसर इज प्लस थ्री. सो बाय दिस वे यू कैन एड और सब्स्ट्रैक्ट द इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन. Now come to the next topic is general rules of addition and subtraction of integers. ये general rule होते हैं कि हम integers को without number line किस तरीके से add और subtract. First rule जो होता है, first rule is if both are positive numbers, it is positive integer. और दूसरा भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर. तो एक इस तरह से हमारा रूल होता है कि जो हमारा आंसर होगा तो भी वो पॉजिटिव इंटीजर होगा. मीन्स प्लस साइन लगाएंगे और दोनों नंबर को ऐड कर देंगे. किस तरह से कि इफ द नंबर इज लाइक 15 ओके एंड प्लस 23 बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स वी कैन सिंपली ऐड द नंबर और साइन हमारा पॉजिटिव हो जाता है 538. आंसर इज 38. हमने क्या किया, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स थे तो साइन भी पॉजिटिव आया और दोनों नंबर को ऐड कर दिया. ओके नाउ रूल टू. रूल टू क्या होता है, इफ नेगेटिव इंटीजर और दूसरा भी नेगेटिव इंटीजर तो आंसर भी नेगेटिव होगा. ओके और लेकिन जो दोनों नंबर्स हैं वो दोनों नंबर आपस में ऐड होते हैं. किस टाइप से, फॉर एग्जाम्पल इफ द नंबर इज माइनस थ्री और माइनस एट और पॉजिटिव. ओके मीन्स ये भी नेगेटिव इंटीजर है, ये भी नेगेटिव इंटीजर है तो आंसर भी नेगेटिव ही आएगा. सो यू हैव टू पुट द नेगेटिव साइन और दोनों नंबर को ऐड कर देना. एट और थ्री इलेवन. लाइक माइनस वन माइनस नाइन माइनस टेन. ओके माइनस वन माइनस नाइन माइनस टेन. नाउ द रूल थर्ड. रूल थर्ड इज इफ वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव. मीन्स एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है या फिर पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है. बोथ केस आर सेम कि एक नंबर हमारा पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव है तो हमारा साइन आता है साइन ऑफ बिगर नंबर. हमें सिर्फ नंबर चेक करना है और उसका साइन लगा देना और आपस में नंबर को सब्ट्रैक्ट करना. फॉर एग्जाम्पल इफ द नंबर इज थ्री और नंबर है माइनस फाइव. ओके हमें क्या लगाना है, साइन ऑफ बिगर नंबर. अब इसमें थ्री और फाइव सिर्फ हमें नंबर्स को भी हैव टू चेक दैट 5 इज ग्रेटर तो साइन आएगा माइनस का और 5 माइनस 3 2 सब्स्ट्रैक्ट करना. ओके अब सेम क्वेश्चन को मैं कर देती हूँ माइनस सॉरी इट इज माइनस 3 और ये नंबर है 5. अब कौन सा बड़ा नंबर है, 5 तो साइन आएगा प्लस क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है 5 माइनस 3 2. मीन्स जिस नंबर का साइन, जो भी नंबर हमारा बड़ा होता है उसी का साइन आ जाता है और दोनों नंबर को आपस में सब्स्ट्रैक्ट करते हैं. तो आई समराइज दीज रूल्स के रूल वन में दोनों पॉजिटिव हैं तो आपको पॉजिटिव साइन लगाना है, दोनों नंबर को ऐड करना है. इफ बोथ आर नेगेटिव दोनों को ऐड करना है, साइन माइनस का होगा. इफ वन पॉजिटिव सेकेंड इज नेगेटिव तो साइन हमारा बड़े नंबर का आता है और दोनों नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ एन इंटीजर. कि हम किसी भी इंटीजर का सक्सेसर और प्रीडिसेसर कैसे निकालते हैं. अब आपको सारे रूल्स क्लियर हैं फॉर ऑल द चैप्टर्स. इट्स अ वेरी सिंपल. इफ आई वॉन्ट द सक्सेसर ऑफ 23 ठीक है, यू कैन सिंपली प्लस वन और आप इसको क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव प्रिंटिंग नंबर्स है यू कैन सिंपली ऐड इट. इफ द क्वेश्चन इज कि यू हैव टू फाइंड आउट द सक्सेसर
एंड प्रीडिसेसर, आई राइट हियर पी फॉर द प्रीडिसेसर ऑफ माइनस 90. ओके, सो सक्सेसर के लिए सिंपली वी हैव टू ऐड प्लस 1 फॉर द सक्सेसर. अब हमें क्या देखना है, अकॉर्डिंग टू द रूल एक नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एक पॉजिटिव. साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है, 1 और 90. 19 इज ग्रेटर, साइन है माइनस. ओके, और दोनों को नंबर को माइनस करना है, 19 माइनस 1 18. प्रीडिसेसर माइनस 19 क्या करते हैं, माइनस 1 करता है प्रीडिसेसर के लिए. नाउ बोथ आर नेगेटिव, नेगेटिव ही आंसर आएगा, 19 एंड 1 20. ओके, जो हमने प्रीवियसली अभी जो रूल्स डिस्कस कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन फाइंड आउट द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर. नाउ अनदर एग्जांपल इज इफ द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ माइनस 425. ओके, फॉर द सक्सेसर वी हैव टू ऐड प्लस 1, सेम एज यहाँ पर ये नंबर बड़ा है, साइन माइनस का आएगा और आपस में दोनों को माइनस कर देंगे. फॉर द प्रीडिसेसर वी हैव टू डू माइनस 1, बोथ आर नेगेटिव इंटीजर, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, साइन विल बी नेगेटिव एंड दोनों को ऐड कर देंगे. सो बाय दिस वे यू कैन फाइंड आउट सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ द इंटीजर. द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो आर क्लियर टू यू, सो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.